अभी तक राहत क्यों नहीं दी। और इंडी गठबंधन लगातार बिखरता नजर आ रहा है, इसके घटक दलों में लगातार फूट की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने बुधवार को कहा कि समाजवादी पार्टी की एकतरफा गठबंधन नीति कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, सपा एकतरफा घोषणाएं कर रही है। कल जारी सूची में कई सीटें ऐसी भी हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी का दावा था। समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो बहुत ही गलत है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे की बात से भी इनकार किया और कहा कि ये सूची उनको सूचित किए बिना जारी की गई है। गौरतलब है कि सपा ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 11 सीटें देने की पेशकश की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 27 जनवरी को कहा था कि राज्य में इंडी गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी दलों की सहमति से मैंने जाति गणना करवाया, अब अगर जाति जनगणना का श्रेय राहुल गांधी ले रहे हैं तो ये बात झूठ है। आप जानते नहीं, आप भूल गए, बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था, उन लोगों को भी कहे थे, ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए या आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं कितने लोग किस काम को करेंगे, वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किया, जितनी बहाली किए हैं, आई सब हमारा साथ निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव की बयानबाजी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीतीश ने लालू राबड़ी राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि उस दौर में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी और बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थी। कितने लोगों को रोजगार मिलता है, आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी भाई? बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। आज जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो। लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया, देश भर में कहीं था सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी। और नौकरी के बदले जमीन मामले में